अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए बच्चों, अब हम हमारे अगले मौजू पर नजर डालते हैं। अब हम भारत की अहम तहरीकें समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है आदिवासी तहरीक। आजादी से कबल के अहद में अंग्रेजों ने आदिवासियों की जंगलाती दौलत पर गुजर बसर करने के लिए हक पर रोक लगा दी थी। इस बिना पर छोटा नागपुर में कोलाम, उड़ीसा में गोंद, महाराष्ट्र में कोली, भील, रामोशी और बिहार में संताल मंडा आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर बगावत कर दी और उसी वक्त से आदिवासियों की जद्दोजहद जारी है। प्यारे बच्चों, अब हम इसके बाद में भारत के किसानों की तहरीक को समझने की कोशिश करेंगे। भारत के किसानों की तहरीक एक इंतहाई अहम तहरीक है। बरतानवी हुकूमत ने नौ आबादियाती ओहद में सरकार की जरात मुखालिफ पॉलिसी की वजह से जमा होने लगी और आप बारडोली, चंपारण, खोती के मसाइल के ताल्लुक से किसानों ने तहरीक से वाकिफ होंगे। किसान तहरीक ने महात्मा फुले, न्यायमूर्ति रानाडे और महात्मा गांधी के ख्यालात से तरगीब हासिल की। अब इसके बाद हम देखेंगे मजदूर तहरीक। ये मजदूर तहरीक क्या होती है? भारत में मजदूर तहरीक का पस मंजर सनदकारी है। भारत में 19वीं सदी के निस्व आखिर में कपड़े की मिले, रेलवे कंपनियों जैसी सनद शुरू हो गई। 1899 ईस्वी में रेलवे के मजदूरों ने अपने मुतालबात मनवाने के लिए हड़ताल कर दी, लेकिन मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए एक बड़ी तंजीम कायम की गई जिसका नाम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है।